लास्ट वाले लेक्चर में, नोट करना बंद करो उसको सुनना, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था ई टू एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो दो टाइप था, पहला था हमारे सामने ई वन और दूसरा था ई टू। ई वन अपन पहले ही निपटा चुके थे और अपन बात कर रहे हैं ई टू की। ई टू एलिमिनेशन कल जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन में ये बताया तुम्हें कि ई टू बोले तो एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है। अगर एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर की बात कर लें तो अपने सामने क्या था, अल्काइल हैलाइड था। रिएक्टेंट में क्या था, अल्काइल हैलाइड। और जो बेस ले रहे थे वो कैसा बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? स्ट्रॉन्ग बेस अपन ले रहे थे अल्कोहली के ओ एच के साथ ही, या तो ओ आर माइनस ले रहे थे, ठीक है। अब अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो तुम्हारे सामने था अल्कोहली के ओ एच, या तो एन एन एच टू या तो नेगेटिवली चार्ज वाले, ध्यान देना। इसके बाद मैंने बताया रिएक्टिविटी टुवर्ड ई टू की अगर बात करें तो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू स्टेरिक हिंडेंस। स्टेरिक हिंडेंस कहने का मतलब ये था कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री अल्काइल, मतलब प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन करें तो ज्यादा स्टेबल में कौन सा मिल रहा है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लास्ट वाले क्लास में अपन यही चीज बात किए थे। उसके बाद अपन देखें जो एल्किन बन रहा है दो तरीके का था, दो टाइप का था, पहला था सेटजेप, दूसरा था हॉफमैन। सेटजेप उसे कह रहे थे जो मोस्ट स्टेबल एल्किन था, जो मोस्ट स्टेबल, और जो अनस्टेबल था उसे अपन क्या कह रहे थे, हॉफमैन, उसे अपन कह रहे थे हॉफमैन। चार केसेस ऐसे मिले, हमेशा देखो हमेशा तुम्हें मोस्ट स्टेबल एल्किन सेटजेप ही बनाना है, लेकिन चार केसेस ऐसे मिले जहां पे हॉफमैन था, हॉफमैन है तो हमेशा लिस्ट स्टेबल एल्किन, लेकिन चार केसेस ऐसे थे जहां पे उनका बना हुआ प्रोडक्ट मेजर था, जहां पे उनका बना हुआ प्रोडक्ट मेजर था। पहला केस अपन देखे थे व्हेन बल्की बेस इज प्रेजेंट, दूसरा चीज देखे थे व्हेन गामा कार्बन इज 4 डिग्री, तीसरा देखे थे वेन पुअर लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट, और चौथा केस देखे थे अपन पैरोलाइसिस ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम साल्ट। लास्ट क्लास में अपन इतनी बात करे थे, आज अपन देखते हैं कंपेयर द रिएक्टिविटी टुवर्ड ई टू। अगर रिएक्टिविटी टुवर्ड ई टू की बात करें तो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन फॉर्म, जो एल्किन बन रहा अपन उसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। चलो बहुत सही है। अब अपन कर क्या रहे थे, अपन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या कर रहे थे, अल्काइल हैलाइड से अपन क्या बना रहे थे, एल्किन बना रहे थे, क्या बना रहे थे, एल्किन बना रहे थे, अपन यही कर रहे थे। और जो एलिमिनेशन हो रहा था वो कैसा हो रहा था, अल्फा बीटा हो रहा था, बोले तो अल्फा बीटा पोजीशन से रिमूव अपन कर रहे थे। तब ध्यान देना यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, अगर यहाँ से ब्रोमीन हटता है तो यहाँ पे क्या अल्फा, ये क्या अल्फा कार्बन है और ये क्या बीटा कार्बन है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा कार्बन मतलब अगर इसका प्रोडक्ट अपन बनाने जाए दैट मीन्स ये अल्फा और ये बीटा कार्बन, तुम्हें लग रहा हो सर बीटा कार्बन ये भी है, मतलब अगर मैं इधर भी पाई बॉन्ड बना दूँ या तो फिर मैं इधर पाई बॉन्ड बनाऊँ, अगर मैं इधर बना दूंगा और इधर बनाऊंगा तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा ये बताना मेरे को, इधर वाला, क्योंकि अगर मैं पाईबॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं पाईबॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे करता हूँ, देखो यहाँ पर रेजोनेंस होगा, क्या होगा, रेजोनेंस। और अगर मैं यहाँ पे बना दूँ ना तो ये पहले से और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि पाईबॉन्ड भी है और जस्ट जब बाजू में भी पाईबॉन्ड है, दोनों हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले, दोनों एक दूसरे को रिपोल करने लगेंगे और क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। दैट्स वे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है इस साइड बनेगा, ठीक है, अगर अल्फा बीटा एलिमिनेशन की बात करें तो। अब ये जो बीटा कार्बन है यहाँ से अपन क्या हटाते हैं, हाइड्रोजन हटाते हैं, क्या क्या इसके पास दो दो हाइड्रोजन है, ठीक है। अपन रिमूव क्या कर रहे थे, मैकेनिज्म मैंने बताया था एचएक्स डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब अपन हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल कर रहे थे। तो हाइड्रोजन और हेलोजन की अगर अपन रिमूवल की बात करें तो इन दोनों को रिमूव करने के बाद हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था पीछे एल्किन, हमें एल्किन मिल रहा था, पाईबॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या कुछ ऐसा होगा, देखो तो क्या ऐसा होगा। और इस केस में अगर ये अल्फा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो मैं किस पोजीशन से हाइड्रोजन कटाऊँ, इधर वाले या इधर वाले से, लेफ्ट वाले साइड से या राइट वाले साइड से, लेफ्ट। अगर मैं लेफ्ट साइड से अगर हटाऊं तो यहाँ पे मेरा पाईबॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और अगर राइट हैंड से हटाऊं तो पाईबॉन्ड का फॉर्मेशन इधर होगा। अब ध्यान देना, अगर मैं पाईबॉन्ड यहाँ पे बना दूँ तो पाई सिग्मा पाई क्या होगा, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। मतलब जो तुम्हारे सामने प्रोडक्ट बना वो ये बनेगा, ये। और इस केस में देखो तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, किधर से भी हटा दो कोई एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट बना तुम्हारा दो कौड़ी का, ध्यान देना इसके पास क्या है, केवल अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हो भी दो और दो चार अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास केवल चार अल्फा हाइड्रोजन है। और ध्यान देना इस केस में क्या एरोमेटिक हो रहा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसमें क्या रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अब तुम्हें पता है एरोमेटिक वाले ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं, देन रेजोनेंस वाले और फिर देन हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आ गया जी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, देखो क्या ऑर्डर हमारे सामने ये आया, क्या ऑर्डर हमारे सामने क्या निकल के आया, सबसे ज्यादा पहला का होगा रिएक्टिविटी, फिर दूसरा का, फिर होगा तीसरा का, क्लियर है, पक्का। चलो आगे बढ़ते, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है, ये सेम केस क्या मैं ई वन के केस में बताया था, ठीक है, वहां पे कार्बोकैटायन बनना था, वहां पे कार्बोकैटायन बनना था, लेकिन कार्बोकैटायन बनने के बावजूद भी तो प्रोडक्ट यही बनना था, ये सेम केस पहले भी रिपीट कर चुका। अगला केस देखो, अब यहाँ पे क्या है ना, ई टू मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन तो बनता है नहीं, कार्बोकैटायन बन नहीं रहा तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं, तो मतलब सिंपली अपने को अल्फा बीटा पोजीशन से हटाना। अगर देखो ये अल्फा कार्बन हो गया,
ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अगर मोस्ट स्टेबल एल्किन बनाओ तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मैं क्या कहाँ करूँगा, यहाँ पे करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हूँ तो देखो तीन तीन छः और तीन नौ अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो हमारे सामने ये बन गया, क्या हमारे सामने ये बन गया, ठीक है। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है, इसमें भी तो सेम स्ट्रक्चर यही बनेगा। जो एल्किन हमारा बन रहा है इस केस में भी, वो भी क्या सेम यही बना, इस केस में डिफरेंट बनेगा। देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, मतलब ये दोनों कार्बन के अबाउट पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर अब ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि सर रीअरेंज करके यहाँ पे आप फॉर्म कर दो, क्योंकि कार्बो कटायन तो हमारा बना ही नहीं। कार्बो कटायन क्यों नहीं बना है, क्योंकि अपन स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, टाइम ही नहीं देता है, ट्रांजिशन स्टेट आता है और फटाक से तुम्हारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट जोन हो जाता है। मतलब जो तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर तैयार है वो कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है, ध्यान देना। अब तुम्हारे सामने क्या आ गया, ये तो समझ में आ गया किसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इन दोनों की मैं बात करूँ तो दोनों के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, नाइन अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, नाइन है, देखो थ्री थ्री और थ्री नाइन होता है। इसके पास कितने हैं, केवल एक है, केवल एक है, ये गरीब है, ये गरीब है। इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास नौ अल्फा हाइड्रोजन, बहुत ना इंसाफी है। मतलब ऑर्डर अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि पहला और दूसरा का ज़्यादा होगा तीसरा से, पहला और दूसरा का ज़्यादा होगा तीसरा से, मतलब फर्स्ट और सेकंड का ज़्यादा होगा थर्ड से, ये तो समझ में आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा क्या किसका होगा, कौन बताएगा मेरे को कि फर्स्ट का ज़्यादा होगा या सेकंड का ज़्यादा होगा। ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये दिख रहा है, आ जाओ, ये है तुम्हारा थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड और ये कितना है, ये है तुम्हारा टू डिग्री अल्काइल हैलाइड। और ये देखो तो ये तो तुम्हारा वन डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये तुम्हारा वन डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो ऑर्डर तो तुम्हें ऐसे भी पता चल जाता कि थ्री डिग्री का ज़्यादा होता है, फिर टू डिग्री का, फिर वन डिग्री का। तो ऑर्डर क्या जाएगा हमारे सामने, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, क्लियर है पक्का। चलो इसे नोट करो, कुछ क्वेश्चन और दूंगा, बना लोगे, बना लोगे, समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा थ्री डिग्री का होगा, फिर टू डिग्री का, फिर वन डिग्री का। अगर यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, क्या एंटी फॉर्म में तुम्हें एलिमिनेशन नहीं दिखा, और मैंने बोला भी था कि सिन फॉर्म में क्यों नहीं होगा, और तुम लोगों ने आंसर भी किया था सिन फॉर्म में क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इधर से अगर बेस लाता हूँ, ठीक है, ये भी तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या रिपेल कर देगा, क्या ये रिपेल कर देगा। दैट्स वाई जो रिएक्शन हो रहा है किस फॉर्म में हो रहा है, एंटी फॉर्म में, मतलब जो एलिमिनेशन हो रहा था तुम्हारा, एंटी एलिमिनेशन हो रहा था, ना कि सिन एलिमिनेशन हो रहा था, ना कि सिन, मतलब एच और एक्स जो अपन हटा रहे हैं, ध्यान देना, एच और एक्स जो अपन हटा रहे हैं, ये अपन सिन फॉर्म से हटा रहे हैं, एंटी फॉर्म से हटा रहे हैं, एंटी फॉर्म से। अगर ये ब्रोमीन है, अगर ये ब्रोमीन है, दैट मीन्स इससे लगा कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, और इससे लगा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन है, और ये भी बीटा कार्बन है, ये भी ब्रोमीन है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और ये बीटा कार्बन। ध्यान देना, ब्रोमीन किधर है, बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, ये हो गया तुम्हारा वैज, ये हो गया डैश। वैज तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है कि ये बाहर की तरफ है, मतलब टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है, और ये जो डैश देख रहे हो तुम, ये रिप्रेजेंट करता है कि तुमसे दूर है, मतलब अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर है, मतलब तुमसे दूर है। तो ध्यान देना, यहाँ जो तुम्हारा अल्फा पोजीशन और ये जो बीटा पोजीशन है, अगर अपन एलिमिनेशन जो कर रहे हैं, एंटी एलिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एच एक्स को जो अपन रिमूव करेंगे, अपन एंटी फॉर्म में करेंगे, ना कि सिन फॉर्म में करेंगे। तो ब्रोमीन अगर बाहर की तरफ है, ब्रोमीन बाहर की तरफ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, ये मिथाइल अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, ये मिथाइल तुम्हारा अंदर की तरफ है। अगर मिथाइल अंदर की तरफ है तो इससे जुड़ा हुआ कि एक हाइड्रोजन भी है हमारे पास, क्या हमारे पास एक हाइड्रोजन है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, दैट मीन्स तीन बना रखा है, एक मिथाइल लगा हुआ है, एक और क्या है, हाइड्रोजन है, नहीं दिख रहा लेकिन है। ये जो हाइड्रोजन है, ये अगर मिथाइल अंदर की तरफ है तो हाइड्रोजन अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, ऑब्वियस है, बोल क्यों नहीं रहे हो, दो ही ग्रुप लगे हुए हैं ना। अब ये इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, दोनों तो अंदर तरफ नहीं होंगे, अगर एक अंदर है तो दूसरा बाहर होगा, एक अंदर है तो दूसरा बाहर होगा, या तो दूसरा अंदर है तो पहला बाहर होगा। अब मिथाइल अंदर की तरफ है, मतलब हाइड्रोजन किधर की ओर है, बाहर की तरफ है, इस केस में भी हाइड्रोजन अंदर की तरफ है या बाहर की ओर है, क्योंकि मिथाइल अंदर की तरफ है तो हाइड्रोजन किधर होगा, बाहर। अब देखो, ब्रोमीन भी बाहर, ये भी हाइड्रोजन बाहर, और ये भी हाइड्रोजन बाहर, क्या उतने अच्छे से एलिमिनेशन होगा, दोनों तो सिन फॉर्म में आ गए ना, दोनों तो सिन फॉर्म में आ गए ना, होगा ऐसा नहीं है, लेकिन रिएक्टिविटी कम होगा, उसका रिएक्टिविटी कम होगा, मतलब ये तो रिपेल करेगा, अगर यहां से मैं बेस को लेते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल तो रिपेल कर देगा। अब ध्यान देना, इस केस में देखो, मतलब यहां पे क्या था, अगर ब्रोमीन की बात करें तो हाइड्रोजन भी बाहर था और हाइड्रोजन भी बाहर था, ठीक है। इस केस में देखो, मिथाइल बाहर है, मिथाइल बाहर है, मतलब हाइड्रोजन अंदर की तरफ है, तो क्या हमें एक एंटी फॉर्म मिल गया एच एक्स का, एच अंदर की तरफ और बी आर बाहर की तरफ, क्या एक हमें एंटी फॉर्म मिल गया, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बाहर है, मतलब वापिस हमें सिन फॉर्म मिल गया। अगर इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें, ये जो ब्रोमीन तुम देख रहे हो, ये जो तुम ब्रोमीन देख रहे हो, मिथाइल किधर है, बाहर की तरफ, ये भी मिथाइल किधर है, बाहर की तरफ, मतलब इससे लगा हाइड्रोजन भी किधर होगा, अंदर की तरफ, और इससे लगा हाइड्रोजन भी किधर होगा, अंदर की तरफ, क्या हमें दो दो एंटी फॉर्म मिल रहे हैं। ध्यान देना, ब्रोमीन बाहर की तरफ और हाइड्रोजन
अंदर की तरफ है तो एंटी एलिमिनेशन होगा, ब्रोमीन बाहर की तरफ है, हाइड्रोजन अंदर की तरफ है, तो एंटी एलिमिनेशन होगा। यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे एक और यहाँ पे भी नहीं है, समझ में आया। तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी हुई, ए बी सी की या 1 2 3 की, 3 2 1 की, और सी भी एक की। क्लियर हुआ? ठीक है, ध्यान से सुनना, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, काफियों को अगर नहीं समझ में आएगा तो सुनना। मैंने बोला कि एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो अपन एंटी फॉर्म में, रिएक्टिविटी तभी ज़्यादा अच्छा होगा जब अपन एंटी एलिमिनेशन करें। ठीक है, तो एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या, एक बाहर की तरफ है तो दूसरा अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, या तो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वो तो मैंने 2D फिगर बना रखा है, अब यहाँ पे मैं तेरे को 3D में अरेंज करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। इस केस में देखो, ये भी मिथाइल बाहर है, ये भी मिथाइल बाहर है, मतलब इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, दोनों किधर है, अंदर की तरफ है, दोनों अंदर की तरफ, और ब्रोमीन किधर है, बाहर की तरफ है, मतलब एलिमिनेशन कैसा होगा, एंटी एलिमिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर की तरफ है, मतलब एंटी फॉर्म हमें एक ही मिल रहा है, एक ब्रोमीन बाहर है और एक हाइड्रोजन अंदर है। और इस केस में देखो, ब्रोमीन है यहाँ पे भी हाइड्रोजन बाहर है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बाहर है, एंटी फॉर्म तो वहाँ पे है ही नहीं है। तो रिएक्टिविटी ज़्यादा किसका होगा, एंटी फॉर्म का होगा, देन सिंगल फॉर्म का। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर क्या गया, सबसे ज़्यादा 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। क्लियर है? तो इसका आंसर चला गया 3 2 1, और कुछ लोगों के लिए सी बी और ए। ठीक है, ध्यान में रहेगा, आगे देखो, अभी नोट मत करो, नोट मत करो, नोट मत करो। अब अपन प्रोडक्ट पे आते हैं, अब अपन प्रोडक्ट पे आते हैं। तुम्हारे सामने फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक, यहाँ पे मैंने तो हाइड्रोजन को किसी भी नहीं दिखा रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, क्या हमारे सामने अल्काइल हैलाइड है? इसके सामने अगर अपन अल्कोहलिक KOH और हीट ले लें, अपन अल्कोहलिक KOH और हीट ले लें, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? एलिमिनेशन, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। एक बात बताना, क्या इस फॉर्म में HX निकलेगा, एक इधर से HX निकलेगा, दो दो पॉसिबिलिटीज है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो इधर से भी HX निकलेगा, इधर से भी HX निकलेगा, कितना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, 2। कितना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, 2। क्यों, तुम्हें क्या लग रहा था कि सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ एक ही होगा ऐसा लग रहा था क्या? अगर एक HX लिए तो एक होगा, 2 HX नहीं है तो 2 2 होगा, समझ में आया? मतलब इधर से मैंने HBr को रिमूव किया, इधर से मैंने HBr को रिमूव किया, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ बना, एक पाई बॉन्ड यहाँ बना, तो हमारे सामने प्रोडक्ट क्या बन के तैयार हुआ, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। कितनों को समझ में आ गया, कितनों को समझ में आ गया, कुछ नया था क्या? नहीं। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, फटाक से बनाओ, 2 पॉसिबिलिटीज, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, पेन पेपर मत उठाओ, देख के ही बताओ, और ये हमारा बेंजीन रिंग, जहाँ पे हमारा रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, रेजोनेंस। बताना कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा इसमें, ध्यान देना, क्या हम जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे ये और ये वाले कार्बन के बीच करेंगे, हाँ या ना? नहीं। क्या ये वाले और ये वाले कार्बन के बीच करेंगे, हाँ, दैट मीन्स पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ। अब बताना मेरे को यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस करेगा, और यहाँ पे रख देंगे तो रेजोनेंस होगा क्या, नहीं, पाई सिग्मा सिग्मा ही आ जाएगा, कोई बात नहीं रही, समझ में आया, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। इस केस में बताना, फ्लोरीन है, ठीक है, ये रहा हमारे सामने अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन, हमारे पास क्या हैलोजन है, अब हैलोजन से लगा हाइड्रोजन, अपने को HX का रिमूवल करना है, अपने को HX का रिमूवल करना है, तो एक पॉसिबिलिटीज है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ये दोनों कार्बन के अबाउट होगा, और एक बार पॉसिबिलिटीज है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ये दोनों कार्बन के अबाउट होगा। तो मेरे को बताओ, क्या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पहले और दूसरे कार्बन के अबाउट होगा, हाँ या ना? हाँ होगा। क्या दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच भी होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। मेजर कौन सा बनेगा, मेजर ये बनेगा, मेजर ये क्यों बनेगा, क्योंकि ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। देखना, पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना लूँ, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना लूँ, ये रहा तुम्हारे सामने फिनाइल, ये लगा हुआ है तुम्हारे सामने फिनाइल, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये चीज आ गया। इसकी अगर बात कर लें तो देखो, दो दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक ये, ठीक है, पहले ये मैंने बता दिया, और फिर एक बन गया ये, ध्यान देना, एक प्रोडक्ट हमारा ये बन रहा है, एक प्रोडक्ट हमारा ये बन रहा है, लेकिन मेजर कौन सा, ये वाला या ये वाला, ओ वाला, ओ वाला कौन सा है, ये वाला या ये वाला, सेकंड वाला, कौन सा वाला, सेकंड वाला। तो ध्यान देना, ये हमारे पास मेजर बन गया, ये हमारा बन गया मेजर। अब कुछ लोग भूल रहे होंगे, भूल ये रहे होंगे कि सर इसके पास सेल्फ हाइड्रोजन है, मोस्ट स्टेबल है, तो इसे आपने मेजर क्यों कंसिडर नहीं किया, और इसके पास तो मात्र 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, फिर आप इसे मेजर क्यों कह रहे हो, ये हॉफमैन है, क्या हॉफमैन, और ये क्या है, सेटजेप, होता तो सेटजेप मेजर है, लेकिन हमारे पास कैसा लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप, याद करो एक्सेप्शन का चौथा केस, एक्सेप्ट 4 केस, हॉफमैन का, सॉरी
हॉफमैन वाले के केस में मैंने थर्ड नंबर केस में बताया था कि अगर पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो हॉफमैन वाला मेजर होगा, हॉफमैन वाला मेजर होगा। क्या समझ में आ गया? बोलो, ये क्वेश्चन बन जाएगा, कितनों से बन जाएगा? अगर नहीं बनाए बहुत मार मारूंगा। चलो यहां तक नोट करो और ये क्वेश्चन तुरंत बना के देखो, एकदम तुरंत। अगर मैं अल्कोहलिक के ओएच ले लूं और हीट ले लूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे अपन रिएक्शन करा रहे हैं, ये जो हैलोजन लगा हुआ इसे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन तुम्हारा अल्फा कार्बन और ये कार्बन है तुम्हारे पास बीटा कार्बन। अब एलिमिनेशन क्या करना है हमें? अल्फा बीटा कार्बन। अब ध्यान देना, इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है। अपन जब रिमूवल कर रहे थे तो अपन क्या कर रहे थे? एच एक्स कर रहे थे, ठीक है। और अगर ऐसा ही डायरेक्ट, अगर मान लो कि मैं बाई चांस अगर मैं मिथाइल ग्रुप को हटा दूँ, ऐसा भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, ऐसा भी अपन नहीं कर सकते। तो मतलब अगर अल्फा बीटा एलिमिनेशन में एच एक्स के अपन रिमूवल की बात कर लें तो एच एक्स तो अपन रिमूव कर नहीं सकते, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच जबरदस्ती बॉन्ड बनाना चाहें तो पांच बॉन्ड थोड़े ना बनाएगा कार्बन, और पांच बॉन्ड बनाएंगे कैसे जब तक यहाँ से हाइड्रोजन ही ना हटा लें, और हाइड्रोजन हटाएंगे कैसे जब हाइड्रोजन ही नहीं है? तो समझ में आया, दैट मीन्स यहाँ पे ई टू मैकेनिज्म नहीं हो, दैट मीन्स यहाँ पे ई टू मैकेनिज्म नहीं होगा, यहाँ पे ई टू रिएक्शन नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? ये फॉलो करेगा ईवन रिएक्शन। क्या फॉलो करेगा जी? ईवन रिएक्शन, क्यों? अपन स्ट्रॉन्ग बेस लिए ही है, ठीक है, प्लस मेन चीज़ अपन हीट ले रखे हैं। क्या लिखे हैं? हीट। और ईवन की बात करें या ई टू की बात करें, दोनों हाई टेम्परेचर पे होता है। कैसे? दोनों हाई टेम्परेचर पे ही होता है। तो यहाँ पे फॉलो करेगा ईवन रिएक्शन। अब ईवन रिएक्शन जब मैकेनिज्म फॉलो करेगा, मतलब मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है ईवन मैकेनिज्म, अगर ईवन मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो हमारा क्या होता था? एज अ लिविंग ग्रुप निकलता था हमारे पास, हैलोजन एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया, और जैसे लिविंग ग्रुप निकलता था पीछे क्या छोड़ता था? पीछे छोड़ दिया ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकटाइन बन गया। क्या बन गया? कार्बोकटाइन। क्या कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन देखो, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक भी नहीं है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है। तो यहाँ से ये क्या करेगा? मिथाइल शिफ्ट करेगा। क्या करेगा? मिथाइल शिफ्ट करेगा। देखो किसी भी तरीके से अगर ये मिथाइल शिफ्ट कर लेता है, ये अगर मिथाइल शिफ्ट किया, अगले स्टेप में क्या हुआ? मिथाइल शिफ्ट, ये किया मिथाइल शिफ्ट। अगर मिथाइल शिफ्ट की बात करें तो ये कार्बन क्या यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब तुम्हारे सामने अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है देखो, और मेरे को बताना कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्या हमारे यहाँ पे डेवलप हो गया, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो काउंट करो, तीन और दो पाँच, सॉरी तीन और तीन छः, छः और दो आठ, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो जाएंगे? आठ। क्या मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया? इससे ज्यादा भी अपन स्टेबल बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। दैट मींस इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, अब करो, ठीक है, अब अगर इलिमिनेट करो तो या तो तुम इधर से इलिमिनेट करा सकते हो, या तो इधर से हाइड्रोजन को हटा सकते हो, या तो इधर से हटा सकते हो, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ज्यादा स्टेबल किस केस में बनेगा? यहाँ वाला, हाँ या ना? नहीं। यहाँ वाला, हाँ या ना? नहीं। यहाँ वाला, यहाँ पे जब अपन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही अगर तुम लोग एल्किन बनाते हो ना, तो ये मोस्ट स्टेबल एल्किन बनेगा, ये मोस्ट स्टेबल एल्किन बनेगा। अब इसके पास देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? नाइन है रे, तीन तीन छः और तीन, मतलब बार बार हाइड्रोजन को लिखना जरूरी थोड़ा ही ना है, और तुम लोगों को कुछ समझ जाना चाहिए। ध्यान देना, इस रिएक्शन में क्या हुआ कि अल्फा बीटा की अगर बात कर ले तो अपन ऐसा नहीं कर सकते कि अगर ई टू मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, एच एक्स का रिमूवल करना था, हाइड्रोजन है नहीं हमारे पास, तो ये फॉलो करेगा ईवन मैकेनिज्म। अगर ईवन मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो तुम्हें पता है कि ईवन के केस में क्या बनता है? कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन जैसे ही मतलब जो लिविंग ग्रुप ये निकल गया, यहाँ पे हमारा बन गया कार्बोकटाइन। अब ये कार्बोकटाइन बन गया तो मैंने बताया था ईवन में अगर कार्बोकटाइन बनता है तो करेगा रीअरेंजमेंट। क्या करेगा? रीअरेंजमेंट। जैसे ये रीअरेंज करेगा तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, तो इसने क्या किया? मिथाइल शिफ्ट किया, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ? ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकल गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकटाइन रीअरेंज कर लिया खुद को। रीअरेंज क्यों कर रहा है खुद को? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। जैसे ही स्टेबिलिटी गेन कर लिया, इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोकटाइन बन गया, अब कार्बोकटाइन मैंने मैकेनिज्म में बता रखा, हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और हमारे सामने एक प्यारा सा एल्किन बन गया। क्लियर है? पक्का? ये क्वेश्चन को ध्यान में रखोगे, ये क्वेश्चन को ध्यान में रखोगे। और ये देखो, ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट पे था, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया था ये तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे था। अब तुम लोग उतना यूज़ नहीं कर पाए तो तुम्हारी गलती। अगला केस देखो, अगले वाले केस में कितने लोगों ने प्रोडक्ट बना लिया, कितने लोगों ने प्रोडक्ट बना लिया बोलो? इधर इधर अभी नोट नहीं करना, इसमें प्रोडक्ट क्या बना, ये क्या बनेगा ये बताओ? अल्कोहलिक केओएच और हीट है, एंटी एलिमिनेशन करेंगे, क्या बनेगा? इतना, हाँ डायरेक्ट बताना कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, मतलब ए प्रोडक्ट जो हमारा क्या बना, बनाओ बनाओ
बन गया है सबसे, उधर बना तुम लोगों से पीछे बन गया। तो बोलना रहता है ना, ध्यान देना, अगर अल्कोहली के ओएच और अपन हीट ले लें तो इधर देखो, इधर प्रोडक्ट ए हमारा क्या बनेगा ये देखना। अगर प्रोडक्ट ए की बात करें ठीक है, तो हमारा अल्कोहली के ओएच और हीट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही हो रहा है ठीक है। लेकिन एंटी फॉर्म में, किस फॉर्म में, एंटी फॉर्म में, मतलब किसी एक को मैं ले लूँ, या तो ये दोनों को ले लूँ या तो ये दोनों को ले लूँ। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ देखो, क्या यहाँ से HX निकल गया, जैसे ही HX निकल गया तो इन दोनों कार्बन के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड। मतलब हमारे सामने देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा, यहाँ पे ब्रोमीन है एज इट इज, और यहाँ पे हाइड्रोजन है ठीक है। किसके प्रेजेंस में, वो अल्कोहलिक के OH, और ये हमारा प्रोडक्ट क्या है ए। अगर इसमें मैं फर्दर, इसमें मैं अगर फर्दर अल्कोहलिक के OH, अल्कोहलिक के OH और हीट डाल दूँ, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बी बी बन जाएगा। अभी प्रोडक्ट बनेगा क्या ये बताना मेरे को जोर से, क्या वापिस से HX का रिमूवल होगा। इतना क्यों सोचने लग जाते हो, सिंपल सा फंडा है ना, कुछ खास बात है क्या। तो तुम्हें पता है अल्कोहलिक के ओएच और हीट लेने, तो HX का एलिमिनेशन करना, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है। मैंने क्या बोला कि पाई बॉन्ड बनाते, तो पाई बॉन्ड अगर अल्केन से अपन पाई बॉन्ड बना रहे, तो हमारा एल्किन भी बन सकता है, अल्काइन भी बन सकता है, यही दो पॉसिबिलिटीज है ना, या कुछ और भी पॉसिबिलिटीज है, नहीं है। तो ध्यान देना, अगर अल्कोहलिक के ओएच के साथ अगर मैं हीट ले लूँ, तो तुम्हारे अनुसार से क्या हुआ कि ये HX निकल गया, यहाँ से HX निकल के तुम्हारे बाद तुम्हारे सामने प्रोडक्ट ये बन गया, अल्काइन बना, क्या बना, अल्काइन। ध्यान देना, ये बन गया प्रोडक्ट हमारा, क्या बन गया प्रोडक्ट, ये था हमारा बी और ये था हमारा ए। ध्यान देना, ये जो तुम अल्काइन बना रहे हो ना ठीक है, ये एक्चुअली बनेगा नहीं, ये एक्चुअली बनेगा नहीं, ये क्रॉस है, हेलोजन नहीं है, ऐसा ही लिखते हैं दोनों चीज, छोड़ो। पहला स्टेप में ध्यान देना, अल्कोहलिक के ओएच अपन लिए, तो अपने अपन ने क्या किया, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ, HX को रिमूव किया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, एल्किन बन गया ठीक है। अल्कोहलिक के ओएच का काम होता है एल्किन बनाना ठीक है, अल्कोहलिक के ओएच एल्किन से अल्काइन नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना नहीं है जितना चाहिए, एल्किन से अल्काइन बनाने के लिए जितना बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए उतना है नहीं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इससे ज़्यादा ऐसा कोई अपन रिएजेंट लेंगे जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, जैसे कि मैं लूंगा यहाँ पे NaNH2, क्या लूंगा, NaNH2। NaNH2 का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है अल्कोहली की वजह से, ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये अल्काइन बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन यील्ड बहुत कम होगा, यील्ड बहुत कम होगा ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग बेस का नाम क्या है, NaNH2 ठीक है। अल्कोहली की वजह की जगह अपन क्या लेंगे, NaNH2। जैसे ही अपन NaNH2 ले लिए, हमारा अल्काइन बन के तैयार है, हमारा अल्काइन बन के तैयार है। मतलब एल्कीन से अल्काइन बनाने के लिए तुम अल्कोहलिक के ओएच का यूज नहीं करोगे, किसका यूज करोगे, NaNH2 का, क्योंकि NaNH2 का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किससे, अल्कोहलिक के ओएच से। क्लियर हुआ, पक्का, यहां तक नोट करके लिखो ठीक है, और नीचे यहां पे नोट करके मैं कुछ लिखवाऊंगा, लिखना यहां पे नोट करके मैं कुछ लिखवाऊंगा, लिखना। इस रिएक्शन में मैंने ये बताया कि अगर अपन अल्कोहलिक के ओएच ले लेते ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, अल्काइल हैलाइड से अपन एल्कीन तो बना लिया, अपन एल्कीन तो बना लिए, लेकिन फर्दर अगर इसमें अल्कोहलिक के ओएच से अपन अल्काइन बनाना चाहे तो ना बना पाए, ना बनेगा, क्योंकि अल्कोहलिक के ओएच जो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ तो वो कम है। तो अपन वैसा कम वैसा रिएजेंट लेंगे जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जैसे कि NaNH2 ठीक है। तो अगर NaNH2 लेंगे तभी एल्कीन से अल्काइन बनेगा, मतलब एल्कीन से अल्काइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, NaNH2 चाहिए, ना कि अल्कोहलिक के ओएच। तो नोट करके यहाँ पे लिखना, नोट करके लिखो, एल्कीन से अल्काइन बनाने के लिए, यही लैंग्वेज में, एल्कीन से अल्काइन बनाने के लिए हमें एल्कीन से अल्काइन बनाने के लिए NaNH2 ही लेना पड़ेगा, एल्कीन से अल्काइन बनाने के लिए NH2 ही लेना पड़ेगा, NaNH2 ही लेना पड़ेगा, एल्कीन से अल्काइन बनाने के लिए NaNH2 ही लेना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना, बिकॉज बिकॉज अल्कोहलिक के ओएच से ना हो पाएगा, बिकॉज अल्कोहलिक के ओएच से ना हो पाएगा, ब्रैकेट बंद करो, ब्रैकेट बंद हो गया, बिकॉज को ब्रैकेट से बाहर निकाल के बाहर लिखना। देखो लिखना ये था ना, सुनो सुनो, एल्किन से अल्काइन बनाने के लिए NaNH2 ही लेना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना, अल्कोहली के वजह से ना हो पाएगा, फिर लिखोगे बिकॉज बिकॉज NaNH2 इज स्ट्रॉन्गर बेस, NaNH2 इज स्ट्रॉन्गर बेस
देन अल्कोहलिक के ओ एच, देन अल्कोहलिक के ओ एच, अल्कोहलिक के ओ एच। एन एन एच टू क्यों ले रहे हैं जी? क्योंकि अल्कोहलिक के ओ एच से ना हो पाएगा, इससे ना हो पाएगा। क्लियर है? ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारा ई टू वाला का जो छोटा छोटा पार्ट था क्वेश्चन वगैरह का वो खत्म हुआ। एक बचता है तुम्हारे सामने डी हेलोजिनेशन, बोले तो डी हेलोजिनेशन, ठीक है। डी हेलोजिनेशन मतलब केवल हेलोजन का रिमूवल कर रहे हैं। ध्यान देना, सबकी निगाह इधर। डी हेलोजिनेशन के केस में अपन जो रिएजेंट लेंगे वो है हमारे सामने जिंक और हीट। कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन कराओ तो हीट, हीट तो तुम्हें दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। या तो बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉगर होना चाहिए लाइक NaNH2, ठीक है। हीट वहाँ पे भी लेते हैं अपन। अगर जिंक के साथ अपन हीट ले लें या तो Ag पाउडर, बोले तो सिल्वर पाउडर, ठीक है, इसके साथ हीट, तो हमारा X2 एलिमिनेट होगा। क्या एलिमिनेट होगा? X2। X2 क्या एंटी फॉर्म में एलिमिनेट हो रहा है? एंटी फॉर्म में एलिमिनेट होगा और हमें क्या बना के देगा? एल्कीन बना के देगा। क्या बना के देगा? एल्कीन। अब एल्कीन भी बना सकता है और अल्काइन भी बना सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2X2 लिया, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने 2X2 और ऐड कर दिया, मतलब ये एंटी फॉर्म में निकल रहा है और ये भी एंटी फॉर्म में निकल रहा है। जब एक निकल रहा था तो क्या बन रहा था? एल्कीन बना रहा था। अगर दूसरा निकलेगा तो क्या बनाएगा? अल्काइन बनाएगा। क्लियर हुआ? मतलब E2 रिएक्शन में सबसे पहला अपन पढ़े थे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में अपन HX का रिमूवल देखें, फिर दूसरा केस था तुम्हारे सामने डीहैलोजिनेशन, जिसमें अपन क्या रिमूव कर रहे हैं? X2 को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर 2X है, ठीक है, दो हैलोजन इसे रिमूव करेंगे तो एल्किन बनेगा, अगर चार चार है तो अपन रिमूव किस फॉर्म में करेंगे? एंटी फॉर्म में, ठीक है। एंटी फॉर्म में रिमूव करेंगे तो हमारे सामने क्या बनेगा? प्रोडक्ट एल्काइन। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन में अपन अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल से अपन दो ही चीज़ बनाना सीखें, एक था एल्किन और दूसरा था अल्काइन। इसके अलावा भी कुछ सीखे क्या? नहीं। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। क्लियर है? ध्यान देना। अब आता है कंपेरिजन का बात, ठीक है। कंपेरिजन की अगर मैं बात करूँ तो उतना टाइम है नहीं, टाइम होने को है तो शॉर्ट में कुछ मैं बता रहा हूँ, सुनना। कल वाले लेक्चर में मैं तुम्हें SN1 पूरे NSR रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा। कंपेयर करने के बताने के बाद बताऊंगा कि कहाँ पे SN1 फॉलो होगा, कहाँ पे E1 फॉलो होगा, कहाँ पे SN2 फॉलो होगा, कहाँ पे E2 फॉलो होगा, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म लगभग लगभग सिमिलर था। और प्लस पॉइंट कि अपने वहाँ पे जो अपन सॉल्वेंट ले रहे थे या जो अपन न्यूक्लियोफाइल ले रहे थे, जो बेस ले रहे थे, लगभग लगभग हमारा सारा चीज़ सेम, बस केवल छोटा छोटा कुछ एक डिफरेंस आया था E2 केस में। ये डिफरेंस आया था कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ज़्यादा था और उस केस में कैसे होता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ज़्यादा होता है SN2 के केस में। क्लियर है? तो NSR रिएक्शन को एक बार रिवीजन करके आना, और जो मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं ना चार्ट के फॉर्म में 10 से 12, उसे भी एक बार ध्यान से देख लेना, उसे भी एक बार ध्यान से देख लेना। दो उसमें रिएक्शन फिर मैंने बताया, एक सोडियम अल्कोक्साइड के साथ और एक सोडियम अल्काइनाइड के साथ, इन दोनों को भी ध्यान से देख लोगे, ठीक है। इतना रिवीजन करके आना। कल वाले क्लास में मैं कंपेरिजन चार्ट बताऊंगा और फिर मैं एक मास्टर चार्ट बताऊंगा, मास्टर चार्ट बनाऊंगा। जैसे ही मास्टर चार्ट बना दिया ना, हमारे आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा, वो लास्ट में, कल वाले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। और मैं भी कल अपन हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन क्या क्या पढ़े, सुनो। सबसे पहले अपन कुछ क्वेश्चंस करें, कंपेयर द रिएक्टिविटी टुवर्ड E2। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो मैंने बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, ये चीज़ क्लियर हो गया। एल्किन की स्टेबिलिटी देख ली है, अगर एल्किन की स्टेबिलिटी बाई चांस अगर सेम हो जा रहा है तो अपन क्या देख रहे हैं कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। क्लियर हो गया? पक्का? इसके बाद अपन क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन कराए, फिर मैंने क्वेश्चन कराया थर्ड वाला, वो क्वेश्चन में बस ध्यान में ये वाला बात रखना था कि अपन एंटी एलिमिनेशन करा रहे। कैसे करा रहे? एंटी एलिमिनेशन। वो क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर मैंने कुछ कुछ प्रोडक्ट बनाने पूछे, प्रोडक्ट में एक फ्लोरीन वाला क्वेश्चन दिया था जिसमें से हॉफमैन वाला मेजर बनेगा क्योंकि फ्लोरीन एक पुअर लिविंग ग्रुप है, ये भी चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया जिसमें तुम लोगों ने जोर जोर से बोला एकदम बन जाएगा, जो कि तुम लोगों से नहीं बना, विनीत से बन गया, हिंट करा तो मैंने बन गया। मतलब उस केस में क्या हो रहा था, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो ही नहीं रहा था, तो अपन क्या कर रहे थे, E1 मैकेनिज्म करवाएं, E1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा और कार्बोकटाइन बनेगा, कार्बोकटाइन बनने के बाद ये खुद को रीअरेंज करेगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होने के बाद ये प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट को मैं ऐसे लिखूं या इसे मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत? एक ही बात, ठीक है। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन में देखो, कभी भी अगर अल्काइल हैलाइड से तुम एल्किन बना ले रहे हो तो अल्कोहलिक के ओएच तो बना लेगा, लेकिन एल्किन से अगर अल्काइन बनाना चाहो तो अल्कोहलिक के ओएच से ना हो पाएगा, नहीं नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा, बोलो ना हो पाएगा, इससे ना हो पाएगा। तो अपन क्या लेंगे, NaNH2, कहीं ब्रैकेट में करके ऐसे तुम लोग लिख सकते हो, यहाँ पे देखो NaNH2 और यहाँ पे लिखना अल्कोहलिक, ठीक है। और ये लिखोगे किसका ऑर्डर है, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब बेसिक स्ट्रेंथ NaNH2 का ज़्यादा है देन अल्कोहलिक के वैसे। और देखो जो जो रिएजेंट मैंने E2 में यूज किया है, ठीक है, बता रहा हूँ मैं, अगर E2 की बात कर ले तो देखो मैंने क्या लिया था, OH- लिया, OR- लिया, ठीक है, अल्कोहलिक KOH लिया, इसके साथ हीट,
अल्कोहलिक के OH ही हमारा OH माइनस आ गया। और तुम्हारे सामने क्या आया देखने को, NaNH2। इसके अलावा भी कुछ था क्या, चाहो तो लिख सकते हो। एक्चुअली जहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चन करवाया है ना, वहाँ सारा चीज़ मैंने क्वेश्चन में मैंने रिएजेंट डाल रखे थे, इसके साथ भी हीट रहेगा, इसके साथ भी हीट रहेगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा फेवर करता है हाई टेम्परेचर पे। इसके बाद अपन आ जाते हैं डीहैलोजिनेशन पे। डीहैलोजिनेशन में अगर जिंक और हीट ले लिए या तो सिल्वर पाउडर के साथ हीट ले लिए, तो डीहैलोजिनेशन, डी बोले तो रिमूव कर रहे हैं किसको, हैलोजन ग्रुप को, ठीक है। दो दो हैलोजन ग्रुप है हमारा, अपन रिमूव कर दिए एंटी फॉर्म में, हमारे सामने वापिस से एल्किन तैयार है। अगर यहाँ पे चार चार हैलोजन लगे हुए फिर भी अपन एलिमिनेट करा देंगे और हमारे सामने एल्काइन बन जाएगा, क्लियर है। तो तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन यहीं पे खत्म हुआ। कल मैं कंपेयर करके पूरे चार्ट के फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है। चलो पढ़ के आइयो पूरा एन एस आर।